गूगल ने मुझे बताया कि दिस इज वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ नोवा स्कोशिया, और यहाँ की अट्रैक्शन है क्या, ना तो कोई गोरी। आज का दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन आज सुबह सुबह मेरे इक्विपमेंट्स की, मेरे व्लॉगिंग सेट की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई, जिसके बिना व्लॉग्स बनाने ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है। वो है ऑडियो के लिए जो माइक अटैच करने के लिए अडेप्टर चाहिए होता है ना, वो वाला अडेप्टर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, पूरी गाड़ी में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। आज शुक्र है भगवान का, बाहर इतनी हवा नहीं चल रही। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग्स। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ठंड है बाहर काफी, लेकिन चलते हैं कहीं आज घूमने। तो आज हम जा रहे हैं, आज मौसम बढ़िया हुआ है, बाहर ठंड काफ़ी है, मतलब 0 डिग्री और -2 डिग्री टेम्परेचर है। आज हम जा रहे हैं ल्यूलनबर्ग। ल्यूलनबर्ग यहाँ पर एक टाउन है, हैलिफैक्स से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर दूर, काफ़ी कलरफुल टाउन है। लेकिन अभी भूख लगी है तो इसलिए पहले आया हूँ मैकडी। This is chicken McMuffin। अब इसमें क्या क्या होता है, मतलब ये जस्ट एज अ ब्रेड है, आपको ब्रेड कह सकते हो। चिकन दिस इज लाइक मफिन, दिस इज जूनियर चिकन, ये जूनियर चिकन है, साथ में एक छोटा सा पीस होता है चिकन का, और ये चीज़, और साथ में मैंने सिल्वर अनियन डलवाए हुए हैं, और हैबेनेरो सॉस, या तो मेयोनीज होती है, वैसे रेगुलर मेयोनीज आती है, लेकिन मैंने हैबेनेरो डलवाई हुई है। तो साथ में एक ली ऑरेंज पिको टी, थोड़ी सी ऐसी इंडियन टाइप होता है, थोड़ा सा टेस्ट बिल्कुल होती नहीं है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा ऐसा टेस्ट आता है, तो इसलिए ज़्यादातर इंडियंस यही वाली पीते हैं मैकडी से। बाकी ये कितने का पड़ा मुझे सारा, ऑलमोस्ट $6, हाँ $5 और $6 का पड़ा ये सारा का सारा ऑर्डर। अभी बस यहाँ से खाकर फिर निकलते हैं, अभी बस 10 मिनट का ही रास्ता किया है, अभी पूरे 1 घंटे का रास्ता पड़ा हुआ है ल्यूलनबर्ग पहुँचने के लिए। यहाँ पर सर्दियां शुरू हो गई हैं कनाडा में, तो उसकी वजह से इतनी जल्दी अंधेरा होने लग गया ना, ब्रैम्पटन में भी इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता जितनी जल्दी यहाँ पर होने लग गया है। 4 बजे यहाँ पर अंधेरा शुरू होने लग गया है होना, तो 4:30 बजे तक फुल अंधेरा हो जाता है आजकल यहाँ पर, लेकिन अभी तक स्नो नहीं पड़ी। आज ब्रैम्पटन में स्नो पड़ी, यहाँ पर नहीं पड़ रही, बहुत बहुत भगवान का शुक्र है स्नो नहीं पड़ रही। देखो 73 किलोमीटर और 47 मिनट का रास्ता है। आई एम मिसिंग सिटी लाइफ एक्चुअली, जो यहाँ जो वहां पर ओंटारियो में मिलती थी, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइटनिंग ही लाइटनिंग सारी रात, वो वाली लाइफ में यहाँ पर मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर दूर दूर तक मॉन्ट्रियल तक वैसा कोई शहर नहीं है, और मॉन्ट्रियल यहाँ से 12 घंटे की ड्राइव पर है, 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर, इसलिए वहां तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आधे घंटे का रास्ता रहता है और हैलिफैक्स से बाहर निकलो ना तो आसपास कुछ भी नहीं दिखता, दूर दूर तक जंगल ही जंगल होते हैं, और वही सेम बात यहाँ पर है। मुझे काफ़ी टाइम से निकला हुआ हूँ बाहर और बस ऐसा ही रोड मुझे दिख रहा है। अभी मैं रुका था एक साइड पे, ये देखो ये पता नहीं कहाँ को जंगलों में रास्ता जाता है, पीछे सिंगल लेन हाईवे हो गया है आगे जाकर, ये सारा का सारा सिंगल लेन हाईवे है अभी तो। लेकिन इन जंगलों में जंगली जानवर भी होते हैं, कोई ऐसे जंगली शेर वगैरह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हिरन वगैरह काफ़ी होते हैं ऐसे जंगलों में, इन्होंने जगह जगह पर निशान लगाए होते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकना ठीक भी नहीं है। हम चलते हैं आगे, अपनी जगह पर पहुँचते हैं। फाइनली पहुंच गए
अपने सपनों के शहर ल्यूलनबर्ग और आप देखकर हैरान हो जाओगे कि हम कहाँ आए 100 किलोमीटर की ड्राइव करके और आए कहाँ। यार एक मिनट, जरा स्नो जैकेट पहन लूँगा पहले, इतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी पहन लेता हूँ। तो अभी आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे यार, मतलब 100 किलोमीटर की ड्राइव कर आया हूँ और ये निकला क्या, एक छोटा सा गांव। ये मेरे पीछे ये बर्गर किंग है, ये वाला ये बर्गर किंग है मेरे पीछे। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट से अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं आई ड्राइव थ्रू में इस बर्गर किंग के, एक भी गाड़ी, आप मान सकते हो एक भी गाड़ी। इतना ये खाली खाली सा गांव है, पता नहीं मुझे इस गांव में है क्या, लेकिन गूगल ने मुझे बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ नोवा स्कोशिया। और यहाँ की अट्रैक्शन है क्या, ना तो कोई गोरी, गोरी तो दूर की बात, कोई गोरा तक भी नहीं है यहाँ पर तो क्या करें, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ तो गया लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा गांव घूम लेते हैं। काफ़ी रंगीन से घर बने हुए हैं यहाँ पर, ड्रोन वगैरह उड़ाकर देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस गांव में है क्या क्या थोड़ा बहुत सा। पहले तो दिस इज़ गैस स्टेशन छोटा सा, और जो साथ में बर्गर किंग बना हुआ है, और इधर ये देख रहे हो जो साथ में फायर डिपार्टमेंट है। दिस इज़ गुड, मतलब गांव में भी फायर डिपार्टमेंट है। दिस इज़ टाउन ऑफ ल्यूलनबर्ग, बोल भी नहीं होता भैया, टाउन ऑफ ल्यूलनबर्ग, ल्यूलनबर्ग, टाउन ऑफ ल्यूलनबर्ग। अब तक जब तक मैं इस गांव में इतना घूमा ना, अब तक मुझे पूरे गांव में कुछ 4 या 5 बंदे दिखे होंगे और कोई नहीं दिखा। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना, गवर्नमेंट ने ऐसी अटलांटिक प्रोविंसेस में पीआर इजी क्यों रखी हुई है, वो इसलिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो टैक्स पे करें और यहाँ पर रहे आकर, और इन सारी प्रोविंसेस को वो ग्रो कर सकें, क्योंकि कनाडा की बस एक साइड ही ग्रो हो रही है और वो है टोरंटो ओंटारियो। यो ये वाली साइड है, ये वाली साइड पर कोई नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहे हैं आजकल यहाँ पर तो या तो हैलिफैक्स या तो डार्टमाउथ, यहाँ से बाहर कोई नहीं जा रहा। ये देखो लेकिन यहाँ पर है ना, अगर कह रहे हैं कि आपने अपने आपके कुत्ते ने कर दिया और आपने उसका बैकयार्ड वाला सामान नहीं उठाया तो आपको $500 तक का फाइन लग सकता है, समझे। इसलिए दैट्स सो इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने कुत्तों के साथ आ रहे हो और अगर उसके बैकयार्ड में से कुछ निकले तो उसको उठाओ उसी वक्त और फेंको। कनाडा के छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे शहर में, हर एक जगह पर इतने बड़े कब्रिस्तान होते हैं ना कि उतनी जगह घरों के लिए नहीं होती जितनी कब्रिस्तान के लिए होती है। मैं तो इसे देखकर हैरान हो गया, इतना छोटा सा गांव, 2000 बंदों की पॉपुलेशन और इतना बड़ा कब्रिस्तान। बाहर ठंड बहुत है और यहाँ पर घूमने के लिए कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा देख लिया लेकिन ड्रोन उड़ाकर मतलब देख लिया। बाकी अभी गाड़ी ले जाकर जरा गलियाँ वगैरह घूमता हूँ, देखते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कनाडा का गांव, एक पिछड़ा हुआ गांव, बिल्कुल ही पिछड़ी हुई प्रोविंस के इलाके में एक पिछड़ा हुआ गांव कैसा दिखता है। ये देखो अब मैं आपको यहां से सारा कुछ दिखाता हूं। यहां पर ये सारे जगह आप देख रहे हो, ये घर नहीं है ज्यादा, ये है जो लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह बनाए हुए अपने घरों में। ये तो मुझे डाउनटाउन लग रहा है यहाँ का। ये देखो कितने रंगीन घर यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। दिस इज कनेडियन विलेज, ये देखो दिस इज डाउनटाउन ऑफ दिस विलेज, बढ़िया लग रहा है। बड़ी जोर से फोन गिरा अभी नीचे, अभी मैं घर जाने के लिए निकल गया था लेकिन जिस रोड से मैं जा रहा था ये वाला रोड है यहाँ का डाउनटाउन, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए पहले। दिस इज ल्यूलनबर्ग, मैंने इसकी थोड़ी की हिस्ट्री रीड की तो मैं आपको बताता हूँ। दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई गई है, उनमें से एक है ल्यूलनबर्ग। ये सारी बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये देखो ये हो गई और वो हो गया, ये सारे के सारे पुराने बने हुए हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं, इन्होंने चेंज नहीं किया मतलब कुछ भी, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। बाकी मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ, काफ़ी कलरफुल से घर बने हुए हैं, ब्यूटीफुल है ना। ये देखो यहाँ पर ये बेरीज वगैरह लगी हुई है, पता नहीं लेकिन है क्या, हमारे इंडिया में तो बेर कहकर लोग खा जाते हैं, बेर ही होने हैं, चलो खा लेने हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या है और मैं इसे खा लूँ। इस गांव में तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी मुझे उठाने के लिए।
टाउन ऑफ ल्यूलनबर्ग, ये देखो 1753 में फाउंड हुआ था, नोटिस बोर्ड टाउन ऑफ ल्यूलनबर्ग का, यहाँ पर सभी ने लगाए हुए हैं अपने, लेकिन खाली है। ये सामने देख रहे हो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, ओह माय गॉड, दिस इज बीएमओ बैंक, कनाडा का फेमस बीएमओ बैंक है, लेकिन ये तो भूत बंगला लग रहा है यार। और ये देखो इधर मैं ये वाले आपको घर कह रहा था, इन्होंने ऐसे ये जो पुराने घर बने होते थे ना यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, बिल्कुल वैसे इन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। ये देखो सामने ब्लू कलर, वो पिंक कलर, ये सारी की सारी स्ट्रीट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के घर बने हुए हैं। ये देखो ये दिस इज बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, बीएमओ बैंक होता है ना जो कनाडा में, ये वो वाला बैंक है, लेकिन ये पता नहीं मुझे ओपन है कि नहीं। देखो सामने घरों के रंग कितने बढ़िया है ना। मैंने गूगल पर चेक किया था, ये जो टाउन है ना इसका एरिया ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर के अंदर ये वाला टाउन बसा हुआ है, और इसकी पॉपुलेशन 2011 में ऑलमोस्ट थी 2300 बंदे, 2311 समथिंग लाइक दिस, 2311 पीपल, और 2016 में इसकी पॉपुलेशन कम होकर 2200 रह गई। मतलब धीरे धीरे से पॉपुलेशन कम हो रही है इन सभी, इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों को मोटिवेट करती है कि आप इस तरफ आओ, अटलांटिक प्रोविंसेस में आओ और यहाँ पर आकर रहो, क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मूव होकर टोरंटो वाली साइड जा रही है, और ये वाली सारी की सारी जगह डेवलप हो ही नहीं रही, और इनको पैसे ही नहीं मिल रहे इसको डेवलप करने के लिए। वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया बनी हुई है ना वैसे अगर देखा जाए तो। अरे वाह ये देखो स्ट्रीट यार कितनी सुंदर बनी हुई है, लेकिन वही बात है ना, ये छोटे छोटे जो गांव हैं इन गांव में लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको इनफ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। अब ये देखो ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप साइन लगा हुआ है, फिर भी लोग फुल रूल्स को फॉलो करके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे निकलते जाएँ। ये देखो अब वो पहले आया वो जाएगा, वहाँ पर खड़ा हो गया, इसलिए स्टॉप साइन को यहाँ पर भी हो, चाहे छोटा से छोटा गाँव हो चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो लोग उसको फॉलो करते हैं। अब ये देखो ये सामने पेडेस्ट्रियंस आ रहे हैं और उसको गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा। इसी शहर की पॉपुलेशन पूरे 2 या 3 सालों में मतलब गिर रही है, नहीं तो पॉपुलेशन तो बढ़ती होती है ना हर जगह की। और ऐसे जो अटलांटिक प्रोविंसेस है यहाँ पर कनाडा में, और जो ऐसी प्रोविंसेस है जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, इन सारी प्रोविंसेस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी गिर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पर रहें, ताकि वो इन सारी प्रोविंसेस को भी ग्रो कर सकें, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है और सिर्फ एक साइड ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसलिए यही एक रीज़न है कि इन इस साइड कनाडा की गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी पीआर के रूल्स रखे हुए हैं, काफ़ी नहीं कह सकते लेकिन एज कम्पेयर टू ओंटारियो रूल्स वगैरह इजी हैं यहाँ पर। एनीवेज अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, वहाँ पर मैं अपनी बिहाइंड द सीन्स और ऐसे जो और इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी होती है इन्फॉर्मेशन वगैरह डालता रहता हूँ। अगला व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि अगला व्लॉग काफ़ी स्पेशल आने वाला है, जो भी मैंने गलतियाँ की अब तक जिसकी वजह से मेरी पीआर लेट होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, मिलेंगे अगले व्लॉग में, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कंडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।